80 के दशक में एक अभिनेत्री अचानक मशहूर हो गई थी। नाम था जैस्मिन धुन्ना। आपने उसे भुतहा फिल्म वीराना की चुड़ैल के किरदार में जरूर देखा होगा। सफेद नीली आंखें, गोरा चिट्टा रंग और गजब की खूबसूरत। 80 के दशक में शायद ही इतनी सुंदर एक्ट्रेस बॉलीवुड में रही होगी। फिर वह अचानक बॉलीवुड से गायब हो गई। लोगों ने उसके बारे में कई तरह की कहानियां बना दी। किसी ने कहा जैस्मिन की मौत हो गई, तो कोई बोला वह जॉर्डन में बस गई। किसी ने कहा राहुल नाम के आदमी से शादी कर ली, तो किसी ने खबर बताई कि वह हरियाणा में बस गई। मगर दोस्तों, ये सारी बातें झूठी हैं। वीराना की जैस्मिन जिंदा है। चलिए हम बताते हैं वह कहां है और बॉलीवुड छोड़ते ही कैसे उसका नसीब चमक उठा। जैस्मिन भाटिया नाम की लड़ की ही जैस्मिन धुन्ना के नाम से बॉलीवुड में मशहूर हुई। मुंबई में पैदा हुई जैस्मिन अपने मां बाप की इकलौती संतान थी। बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखने वाली जैस्मिन को राज कपूर बहुत पसंद थे। वह स्कूल के नाटकों में खूब भाग लिया करती। बाद में फिल्में देखने का शौक ही उसे हिंदी सिनेमा की ओर ले आया। सबसे खास बात है कि जैस्मिन को फिल्मों में आने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। 1977-78 की बात है। उस दौर के मशहूर डायरेक्टर एनडी कोठारी एक फिल्म बनाने जा रहे थे। विनोद खन्ना को बतौर हीरो साइन भी कर लिया था। बस वह किसी नए चेहरे की तलाश में थे जो बॉलीवुड में एकदम नई हो। एक दिन इत्तफाक से उनकी मुलाकात जैस्मिन से हो गई। 19-20 साल की खूबसूरत जैस्मिन में उनको मधुबाला की झलक दिखाई देने लगी। बिना वक्त गंवाए उन्होंने अपनी फिल्म में हीरोइन का ऑफर दे दिया। पहली ही फिल्म, वह भी विनोद खन्ना जैसे स्टार के साथ। जैस्मिन भला कैसे मना कर सकती थी। फौरन हां बोल दी और बन गई विनोद खन्ना की हीरोइन। 1979 में जैस्मिन की पहली फिल्म आई। सरकारी मेहमान पुलिस इंस्पेक्टर बने विनोद खन्ना और बंजारों की बेटी बिंदिया बनी जैस्मिन। फिल्म कुछ खास नहीं चल सकी और जैस्मिन को कोई फायदा नहीं हुआ। यह अलग बात है कि डायरेक्टर कोठारी की नजरों में वह चढ़ चुकी थी। 1982 के आसपास की बात है। डायरेक्टर कोठारी ने एक बार फिर जैस्मिन को बुलाया। वह विजयेंद्र घाटकर के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्होंने जैस्मिन को विजयेंद्र की हीरोइन बना दिया। 1984 में फिल्म आई डिवोर्स। यह फिल्म भी कुछ खास नहीं कर सकी। जैस्मिन को बॉलीवुड में उतरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन खूबसूरत होने के बाद भी उनको कोई ऑफर ही नहीं आ रहे थे। फिर एक दिन एक ऐसा ऑफर आया जिसने जैस्मिन की जिंदगी बदल डाली। 1986 के आसपास की बात होगी। राम से ब्रदर्स भूतहा फिल्म बनाने जा रहे थे। उनको एक ऐसी अभिनेत्री की तलाश थी जो बहुत सुंदर तो हो ही, बोल्ड सीन देने में भी परहेज न करे। वैसे राम से की फिल्मों को उन दिनों सीक्रेट कहा जाता था। कोई बड़ी हीरोइन उनकी फिल्म में काम नहीं किया करती थी, इसी वजह से राम से वाले नए नए चेहरों की तलाश में रहा करते थे। अचानक उनकी नजर एक बार जैस्मिन पर पड़ गई। उनको अपनी हीरोइन उसमें नजर आ गई और दे दिया फिल्म में हीरोइन का ऑफर। जैस्मिन के पास भी काम नहीं था, सो उन्होंने भी बिना सोचे समझे हां कर दी। 1988 में फिल्म आई वीराना। जैस्मिन ने फिल्म में एक ऐसी लड़की का रोल किया जिसके शरीर में आत्मा सवार रहती है। इस फिल्म ने उनका नसीब खोल डाला। जैस्मिन ने भूतहा लड़की के रूप में ऐसी अदाकारी दिखाई कि लोगों को वह सच में चुड़ैल ही नजर आती। उस जमाने में वीराना इतनी ज्यादा हॉरर मानी जाती थी कि अगर फिल्म के बीच में लाइट चली जाती तो अंधेरे में लोग डर के मारे कांप उठा करते थे। इस फिल्म के बाद जैस्मिन रातों रात लोगों की पहली पसंद बन गई थी, मगर न जाने क्यों उनका करियर उड़ान नहीं भर पा रहा था। 1990 में जीतेंद्र की एक फिल्म आई थी हातिमताई। इसमें एक परी के पल भर के रोल में वह नजर आई। उसके बाद वह अचानक गायब हो गई। किसी को नहीं पता था जैस्मिन कहां गई। कुछ सालों तक जैस्मिन धुन्ना की कोई खबर नहीं आई, तो पूरे बॉलीवुड में तरह तरह की अफवाहें फैलनी शुरू हो गईं। सबसे पहले खबर फैली कि जैस्मिन की बीमारी से मौत हो गई। दूसरी खबर फैली कि वह देश छोड़कर जॉर्डन चली गई। तीसरी खबर फैली कि उसने राहुल तुर्गनेव नाम के आदमी से शादी कर ली और हरियाणा में रहने लगी। दोस्तों, ये सारी बातें झूठी हैं। जब रिसर्च की गई तो पता लगा कि जैस्मिन की मौत नहीं हुई, वह अब भी जिंदा है। न वह जॉर्डन गई थी, न उसने राहुल तुंगनाथ से शादी की,
और न वह हरियाणा में रहती है। असल में बॉलीवुड छोड़ते ही उसकी किस्मत पलट गई थी। हुआ यह था कि वह मुंबई के वर्सोवा में रहा करती थी। जैस्मिन धुन्ना को ऐसा लगता था कि उसकी खूबसूरती को देखकर उसे बड़े बड़े फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म में हीरोइन बनाएंगे, मगर कई सालों के इंतजार के बाद भी उसे किसी मशहूर फिल्म मेकर ने नहीं पूछा। यहां तक कि वीराना हिट होने के बाद भी उसे काम नहीं मिला। जैस्मिन के करीबियों ने बताया था कि उनको काम न मिलने की वजह एक और अफवाह थी। कुछ लोगों ने उसके उभरते करियर से घबराकर साजिश के तहत फैला दिया था कि कई डॉन उसको चाहते हैं। डॉन का नाम जुड़ा तो डायरेक्टर उनको फिल्मों में लेने से कतराने लगे। इसी वजह से उदास होकर उसने बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। मगर बॉलीवुड छोड़ना उसका नसीब चमका गया। जैस्मिन कुछ समय के लिए अमेरिका में रहने लगी। वहां उन्होंने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। बॉलीवुड ना सही किस्मत ने यहां साथ दिया और देखते ही देखते जैस्मिन का बिजनेस चल पड़ा। कुछ ही सालों में एक्ट्रेस का कारोबार करोड़ों रुपए का हो गया। छोटा बिजनेस बड़ा हो गया। जैस्मिन सिनेमा को भूल गई और अपने बिजनेस को संभालने लग गई। वह मां के साथ मुंबई के वर्सोवा में रहा करती थी, लेकिन ज्यादा समय अमेरिका में ही बीतता। इन दिनों भी जैस्मिन अमेरिका और बंबई दोनों जगह आती जाती रहती है। इस खबर की पुष्टि दो बार की गई। पहली बार कुछ साल पहले रामसे ब्रदर्स ने जैस्मिन के जिंदा होने और मुंबई में रहने का खुलासा किया था। उन्होंने तो वीराना के सीक्वल में उनको लेने की बात तक कह दी थी। वहीं दूसरी बार पुष्टि वीराना में उनके हीरो रहे हेमंत बिरजे ने कर दी है। हाल ही में एक इंटरव्यू में हेमंत ने खुलासा किया कि जैस्मिन अमेरिका में अपना बड़ा बिजनेस संभाल रही है। दोनों की अक्सर फोन पर बात होती रहती है। कुछ समय पहले ही जैस्मिन से उनकी फोन पर बात हुई थी, बल्कि मुंबई में, तो उसने हेमंत को मिलने के लिए भी बुला लिया था, लेकिन हेमंत वहां जा नहीं सके थे। उन्होंने खुलासा किया कि वह बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही है और ज्यादातर अमेरिका में ही रहती है। वैसे मुंबई वर्सोवा में भी उनका घर है और वह यहां भी आती जाती रहती है। वैसे हेमंत ने एक दिल तोड़ने वाली खबर भी सुनाई कि वह दोबारा कभी बॉलीवुड में नहीं आना चाहती है, बस बॉलीवुड वालों का हालचाल जरूर लेती रहती है। दोस्तों, आपको जैस्मिन धुन्ना याद है या भूल गए आपको वीराना फिल्म में उनकी अदाकारी कैसी लगी थी? क्या आपने उनकी सरकारी मेहमान या डिवोर्स फिल्म देखी है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरी को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।